आप सबको बता दूं कि भाई गाड़ी में डीजल रखा था, ये जिस तरीके की कैन हमने ली थी ऐसी कैन बिल्कुल मत लेना। गाड़ी के पीछे तक निकले थे कैन उठाने, जेरी कैन। गेड़ी लावा चोरो महंगी महंगी कारा में, आना चावा तेरे हुसन के जाड़ा में, होए कितने तो फैन फिरा तेरे छोरी, हाँ करते किधर ऐसा सवाल में। गेड़ी लावा चोरो महंगी महंगी कारा में, आना चावा तेरे हुसन के जाड़ा में, होए कितने तो फैन फिरा तेरे छोरी, हाँ करते किधर ऐसा सवाल में। मतलब उसके हिसाब से मैनुअल और ऑटोमेटिक के हिसाब से ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल है। आसमान देखो ना कितना ब्लू है यार, ये वीडियो में भी इतना ब्लू लग रहा है। अरे ये तो एलवी सर खड़े है, मेरे को तो लगा एलिवेटर पहुंच गए होंगे। क्या हुआ? यही हुआ ना, आगे लगे नहीं हो रहा है। रिकॉर्डिंग ऑन। सो गाइस हम जा रहे हैं आर्मी कैंप में, ने पे बुलाया था लंच पे, और हम लेट आ रहे हैं फिलहाल, ना लंच का टाइम ना डिनर का टाइम है, बट हाँ जो भी जा रहे हैं आर्मी कैंप। ये जो संगम लेक पे यही वाला पानी आगे तक जा रहा है ऐसा बताया गया है इनके थ्रू। अब तक हमें दिख तो रहा नहीं क्या, मेरे ख्याल से तो वो है वो सामने जो दिख रहा है, अगर दिख ये देखो, ये देखो चुल आदमी की चुल देखो, आगे लेके जा रहा है ना। हाँ पूरी गाड़ी में स्मेल रहेगी, पूरी गाड़ी में स्मेल रहेगी। फालतू किया है यार, चार तो घी का पीपा है, गंगा जल वाला पीपा है, तो गरम गरम जाएगा तो पूरी फीट। भाई सारे में डीजल डीजल फैल गया यार, भाई अपने में रख दिए सारे बैग बैग। सिर दर्द तो हुआ दिख रहा है मैंने, एक बार पहले मैं टेडी वेडी करके इसे निकालने की कोशिश करूँ थोड़ा बहुत। पूरी गाड़ी में डीजल डीजल की स्मेल हो रखी है, और अभी भी लग रहा है जैसे नीचे गिर रहा हो डीजल। पहली चीज़ तो आई एम सॉरी भाई, जिस जो 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 मेरे साथ था मैं उनके ऊपर भी थोड़ा रिएक्ट कर गया यार। मेरे को ना मतलब टू बी ऑनेस्ट दिल से मेरे को बुरा लगता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है मेरे को एकदम से, और समझ नहीं आता उस पर किस तरीके से रिएक्ट करूँ, और मैं बस यही बोल रहा हूँ कि भाई आई एम सॉरी भाई,
जो जिस जिसके ऊपर मेरा थोड़ा सा गुस्सा निकल गया। हम ब्लॉगर लाइफ, चलो हम ब्लॉगर ही ऐसे हैं, कुछ खराबी कुछ भी एक्स वाई जेड चीज़ हो जाती है तो एकदम से इंस्टेंट फ़ोन निकाल के एंड शुरू हो जाते हैं। तो मेरे को भाई एकदम से, जैसे ही मेरी गाड़ी में ऐसे हुआ, हम तुरंत बाहर निकले, तुरंत बाहर निकलते ही गाड़ी के पीछे तक निकले थे कैन उठाने, जेरी कैन, और इतने में ही वो सब चीज़ निकल चुकी थी, पूरा तेल आगे तक आ गया, पीछे भी अभी है, पूरे में पीछे भरा हुआ है। बट आप सबको बता दूँ कि भाई गाड़ी में डीजल रखा था, ये जिस तरीके की कैन हमने ली थी ऐसी कैन बिल्कुल मत लेना, कभी भी मत लेना। क्योंकि मैं अंदर से, मैंने कभी मतलब सोच रहा था मैं कि हो भी सकता है ऐसा, बट मुझे लगा नहीं था कि मेरे साथ ही हो जाएगा और अभी हो जाएगा इंस्टेंट, क्योंकि इतने ऊपर हम थे नहीं, अभी अभी तो और ऊपर जाना है। वो वहाँ से निकले हैं, शीशा खोलना नहीं चाह रहा, अभी ठंड लग रही है और शीशा खोले बिना रहा नहीं जा रहा, अभी बाहर यहाँ से निकल जाऊँ, बस यहाँ धूल वूल वाला एरिया है ना, या धूल वूल वाला एरिया कंप्लीट करके फिर बाहर तो मैं शीशा खोल के चलाऊँगा गाड़ी। लग गए लग गए ट्रिप पे लग गए भाई मारे। अब यश को ही भेज दिया अज्जू की गाड़ी में, क्योंकि उससे बैठा नहीं जाता, मेरे कहा भाई तू वहीं बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला लूँ आराम से, वैसे ही मैं ही चला रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बताना था गाइज कि भाई ऐसी जेरी कैन आप लेना मत, डीजल लेके जाओ तो अच्छी वाली जेरी कैन लेना जो बाहर लगती है और बढ़िया वाली, चाहे बेशक वो 4 की हो चाहे वो 5 की हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कभी भी। और मुझे टेंशन ये है कि भाई योगेश की गाड़ी में से कभी अभी तक भी डीजल की स्मेल नहीं गई, और मेरी वैसे कैसे जाएगी, आई डोंट नो। तो देखते हैं जो भी होगा, होप फॉर द बेस्ट, भगवान ने लिखा था ये तो कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई थिंक कुछ गलती हुई होगी शायद उसमें, ये कर दिया। चलते हैं बाहर, सी ऑफ करते हैं भाई को, आगे चल रहे हैं भाई जिनके पास हम आए हुए थे, थोड़ी कॉन्फिडेंशियल है इसलिए मैं ज़्यादा दिखा नहीं रहा, पूरे स्टेयरिंग पे लगा हुआ है। ओ भाई सांस नहीं लिया जा रहा भाई, और आई में चला रहा हूँ क्या मैं, ये तो एक्सट्रीम लेवल पे चला गया ट्रिप, बहुत ही ज़्यादा भाई, मैं खुश भी लग रहा हूँ और साथ के साथ दुखी भी हूँ, मैं कहा यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बट मैं ऐसे शीशा एक बार खोलता हूँ, थोड़ी सांस ली, फिर एकदम से बंद कर देता हूँ, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे। रात को देखो इसे बाहर की तरफ निकाल के और सब सामान निकाल के और खुली गाड़ी करके सोना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। दिन में तो फिर भी खोल के चल सकते हैं शीशा, रात को तो भाई साहब अंत लेवल की ठंड हो रही है। सर इतनी तेज़ का दर्द कर रहा है ना इस टाइम, बहुत ही तेज़ का। तो यहाँ से हानली रह गया है 39 किलोमीटर, 39 किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पहले चेक पोस्ट आता है। बाकी गाइस एक चीज़ और लास्ट चीज़ और बता देता हूँ कि भाई जो रोड हो गए ना, मतलब मैं जितना सुन के आया था कि हानली के ऐसे रोड होंगे, ये होंगे वो होंगे ख़राब होंगे, A1 हो गया है, A1 अभी तक तो बहुत ही प्यारा रोड जा रहा है। मतलब बीच में 5-7-10 किलोमीटर का पैच आता है जो थोड़ा सा ख़राब है, बाकी रोड एक नंबर बना दिए हैं, बस वहाँ जाके हमें होम स्टे मिल जाए। फिलहाल टाइम हो रहा है 10:18 और मैं देखता चल रहा हूँ कितनी आदेश दे दिया, कितनी किलोमीटर के आसपास चलेगी। वहाँ पे एक जेरी कैन थी जो कटारिया एक्स्ट्रा लेके आया था, मतलब 10 लीटर की एक्स्ट्रा रख रही थी अपनी गाड़ी में, तो वो डाली है इसमें, और जो जो कैन लेके आया था मतलब टोटल 60 लीटर जो तेल था वो हम सब ने डाल लिया, 20 लीटर कटारिया ने डाल लिया, 10 लीटर मैंने डाल लिया और कशिश ने अपना 20 लीटर डाल लिया, मैंने ख़त्म कर दी। 2 किलोमीटर रह गया बस और नाक में रम चुकी है, अब शीशे बंद करके ही आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही। हानले रह गया 2 किलोमीटर, थैंक यू किस लिए, अभी तो हानले भी नहीं पहुँचे हम। फाइनली पहुँच तो गए, पर ये देखना पड़ेगा इस टाइम क्या कौन सा होम स्टे खुला होगा, क्योंकि अभी फिलहाल हो रहे हैं 11:09 हो रहे हैं, सोनम होम स्टे घुसाएगा कि भाई घुसाले, उस वाले होटल में नहीं, उस वाले होम स्टे में नहीं मिला, दूसरा भेज रहे हैं, दूसरे में जा रहे हैं। क्या कह रहा है तो यू पद्मा है, यू पद्मा हेलो ये चाचा कि नहीं, यहाँ पे ओनली 6 या 7 गेस्ट हाउस है,
अब तीन तो देख लिए हैं, दो और देख रहे हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो एक होम स्टे में छः बंदों के रहने की जगह है। अब छः बंदे देखेंगे या फिर उस पर देखते हैं किस तरीके से रुक सकते हैं। अभी एक और हाले होम स्टे देख रहे हैं। लाइट जली गई भाई? अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे रात को लाइट वाइट नहीं आ रही इसलिए सब सो चुके हैं। थैंक यू सो मच, आपने जान बचा ली आज रात को। गाइस अब जाके मिला है होटल, आई मीन होम स्टे, और ये देख लो एक तो ये है, यहाँ पे एक्स्ट्रा बेड डल रहा है, और एक तो ये है वो इमरजेंसी रूम, अगर इसमें सो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं हमें। ये भाई दो चार हो जाओ एडजस्ट यहाँ पे हो तो जाएंगे चार, बट तीन तो वहीं हो गए ना भाई, पाँच और तीन आठ तो वहीं हो गए। इसमें किया कैमरा हो देख 10x, अब इसको कर दो 100। हाँ ठीक है भाई, क्या कटा वो रहा वो रहा वो रहा ऊपर रहा कटा दिया, हाथ हिल ओ हाथ हिल रहा है बस, वो चाहिए मेरे को दिया दिखे यो, अरे हिला दिया ना यार अज्जू भाई, यार भाई चांद है यो। ओ आगी आगी मेरे ख्याल से जो आगी, पौने एक बजे मैं ऐसे कॉफ़ी बनवा रहा हूँ, थैंक यू सो मच भैया। क्या हाल हो रखा है भाई साहब? भाई साहब मतलब हाथ ऐसे सब अकड़ गया, बिल्कुल अकड़ गया। यहाँ पे हम चंदा मामा का नीचे जाने का वेट कर रहे हैं, बस 2:14 हो गए हैं, मेरे ख्याल से अराउंड 3 तक तो हम पूरे अच्छे से नीचे चले जाएंगे, और 3 के बाद फिर हम मून सेट का वेट कर रहे हैं, वरना हम सेट हो जाएंगे आज। आज तो सेट हो गए भाई एक बार, अभी भाई मेरा सब कुछ खराब कर रहा है तो पता है? अरे अब तो वापस लगाएगा यार, अभी थोड़ी ना लगाना है, अब तो वापस लगाएगा, अभी एक बार चेक कर ले, मैं भी चेक कर जाता हूँ। तो गाइस एक मिनट, वही दिखी नहीं रहा क्या कर रहा था मैं, वहाँ लगा रखा है मैंने अपना GoPro, एक बार चेक कर रहा हूँ क्या सीन आया होगा भाई साहब। आँच जला के बैठे हुए थे हम एंकल दिख ही नहीं रहा, आँच जला के बैठे हुए थे, एक बार सीन देखता हूँ उसके बाद बताता हूँ। भाई साहब बहुत ही तेज़ की ठंड है, जिस वजह से मैं यहाँ पे आया था वो वजह पूरी करनी है, आज गैलेक्सी देखनी है, हमारी आँखों से दिखेगी नहीं, कैमरे की आँखों से दिखेंगे, देखते हैं 2-5 लगेंगे, अगर हो पाया मेरे कैमरे से आ पाया तो ठीक है, नहीं तो अज्जो कैमरे से, जो थोड़ा बहुत आएगा मैं दिखाऊंगा, एक बार देखते हैं फिलहाल क्या सीन आया है। ये देखो ये लगा रखा है, चंदा मामा को देखो एक बार, ज़ूम नहीं दिख रहा, अच्छे से नहीं दिख रहा भाई, चंदा मामा अपनी जगह पे जाते हुए भाई, रियल आंखों से जो दिख रहा है ना वो हो, जो बहुत ही प्यारा दिख रहा है, बहुत ही प्यारा। रात ने बचना है भाई, बिल्कुल बचना है, तोड़वाना है, तोड़ा है भाई, से लगवा मत लियो रुक। हाँ वैसे तो कच्ची है भाई ये, सही है, ये ले भाई तोड़ दी, 3 अलग अलग रख देंगे तो फेंकता गया। ओ मम्मा हाथ सुनोगे भाई, इतनी सी देर में लकड़ी तोड़ते हाथ सुनोगे। टाइम हो रहा है 2:40 हो रहे हैं गाइस, सीन लगा दिया है वहाँ, टॉर्च जलाना नहीं चाह रहा बिकॉज एक बार देखना चाह रहे हैं हम किस तरीके से सीन आ रहा है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है भाई, मजाक सेट के क्या दूँ है, लाइट बंद कर दी, देख क्या हूँ यार एक बार अपने वाला भी ना। सो गाइस सुबह हो गई है ऑलमोस्ट, जो ऊपर गैलेक्सी दिख रही थी वो चली गई है, अभी आपको दिख ही नहीं रही होगी, फिलहाल बच रहे हैं 1 मिनट, टाइम बता देता हूँ 4:28। अज्जू जाके सो चुका है और अभी दिख नहीं रहा क्या, ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा, ले लिया है सीन, देखो बहुत मेहनत लगी है इस सीन में, अभी पता नहीं मुझे कैसा आया है। यहाँ पे अज्जू का सीन चल रहा है, मतलब ये इसका अज्जू वाला टाइम लैप्स चल रहा है, और यहाँ पे मेरा आपको तो दिख भी नहीं रहा होगा पता नहीं। लेट्स सी कैसा आया है,
इतने इस ब्लॉग को मैं यही एंड कर रहा हूँ। आई होप गाइस आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा है, इतनी मेहनत की वजह से भी अच्छा लगा हो ना, तो डू लाइक डू कमेंट डू शेयर, नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। टिल देन खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ क्योंकि आज ये एक सीन लेने के लिए आए थे हम, सिर्फ एक सीन, और गैलेक्सी देखने के लिए आए थे, और भाई कितनी प्यारी लग रही थी ना, मैं अगर सीन आया तो मैं दिखाऊंगा। टिल देन खुश रहो, अभी सीन चल रहा है और आधे घंटे चलेगा। ओके गाइस बाय बाय। You don't know I'm looking with you, everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on.